महिला ने एक संत से कहा, नित्य प्रति भिक्षाटन के लिए जाते थे, तो उन संत ने उसके घर में देखा कि वो नित्य प्रति अपनी बहू से बहुत झगड़ा करती थी, बड़ी जोर जोर से झगड़ा करती थी, लड़ती रहती थी, झगड़ती रहती थी। तो कहा, निकल करके आई, भिक्षा देने लगी और कहा, प्रभु कोई मार्गदर्शन करो, मुझे सत्संग दो, मुझे कुछ उपदेश दो। तो उन संत ने कहा कि आज नहीं दूंगा, कल दूंगा, कल आऊंगा फिर दूंगा। अब दूसरे दिन प्रतीक्षा करने लगी, फिर झगड़ रही थी, फिर संत आ गए, संत ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई, तो सुंदर आज उपदेश मिलने वाला था महाराज, तो संत के लिए गर्मा गर्म खीर लेकर के आई बना करके। अब खीर लेकर के आई और महाराज के भिक्षा पात्र में डालने लगी, तो भिक्षा पात्र बड़ा गंदा था, उसमें कूड़ा करकट था। तो कहा, महाराज इसमें खीर कैसे डालूं, ये तो गंदा है, लाइए मैं इसे धो दूं उसके बाद डालूंगी। महाराज ने कहा कि देख, तुझे डालना है तो इसी में डाल दे, नहीं तो मैं अपने रास्ते चलता हूँ। तो कहा, प्रभु यदि इसमें खीर डाल दी तो खाने के योग्य रहेगा क्या? यदि कूढ़ा करकट से भरा हुआ पात्र उसमें मैंने खीर डाल दी तो क्या खाने के योग्य होगा? होगा नहीं होगा, उसे खा थोड़े ना सकते हैं, उसे पा सकते हैं फिर? तो संत ने कहा, मैं भी तो यही कहता हूँ, तू कहती है कि मुझे सत्संग करा, मुझे उपदेश दे, तुम्हारा जब बुद्धि में इतना कूढ़ा भरा हुआ इस मन में, तो क्या सत्संग इसमें जाएगा? जब तक इस कूढ़े को साफ नहीं करोगे तो क्या सत्संग इसमें जाएगा? नहीं जाएगा। इसलिए पहले इस मन की मलिनता को मिटा, और जो दिन रात झगड़ा करती रहती है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, इसे दूर कर, पहले मन की मलिनता को साफ कर, क्योंकि हरि मन से मिलते हैं और तन से कभी नहीं मिलते महाराज।